Hi guys, welcome back to the learning ship. और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे how to use seamless pattern in adobe photoshop cs5 version. इसमें हम ऑलरेडी बिल्ट पैटर्न को कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे. इसे हम वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं, बुक्स के कवर क्रिएट कर सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इफ यू आर न्यू माय चैनल देन फ्री पिक ओपन कीजिए, जहाँ पे आपको सीमलेस पैटर्न मिल जाएंगे. आप सीमलेस पैटर्न टाइप कीजिए एंड क्लिक सर्च. इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत से पैटर्न आपको मिलेंगे. अब इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे. मैं इस ट्यूटोरियल में ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न यूज करना सिखाऊंगी. इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे यूज कर सकते हैं. मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट. अभी मैं आपको सिर्फ एज ए सैम्पल आपको शो करवा रही हूँ. अब यहाँ पे जाके फाइल में जाना है आपको. फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है. जो इमेज का डिफॉल्ट साइज होगा वो आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड. देन क्लिक ओके. यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए. अब ये सिर्फ एक स्क्वायर बॉक्स ही होगा. अब इसको कैसे एंडलेस सीमलेस यूज करना है उसके लिए डिफाइन पैटर्न पे जाइए. इसको नाम दीजिए, मैं बाय डिफॉल्ट जो नाम है वही दे रही हूँ. देन क्लिक ओके. अब आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जिसका साइज इस इमेज से बड़ा हो. मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2000 और हाइट में रख रही हूँ 1000 पिक्सल. देन क्लिक ओके. अब आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है. एडिट पे जाने के बाद फिल पे क्लिक करना है. फिल पे क्लिक करने के बाद जो आपने पैटर्न लास्ट लिया है उस पर क्लिक कर देना है और ओके. एंड हियर इज द मैजिक. और यहाँ पे देखिए, आप एक सिंपल स्क्वायर को आपने एक बड़ी सी बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया. सीमलेस का मतलब ही ये होता है एंडलेस यूज. आप कितनी भी बड़ी बैकग्राउंड ले सकते हैं. अब सेकंड इमेज है, कॉपी कीजिए. फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए. देन क्लिक ओके. पेस्ट कीजिए अपनी इमेज को और यहाँ पे जाके डिफाइन पैटर्न करना है. डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर रखी है इस पे एक न्यू लेयर क्रिएट कीजिए. देन आपके पास फिल पे जाइए. फिल पे जाने के बाद पैटर्न पे जाइए. पैटर्न आपने यूज करना है, पैटर्न. पैटर्न पे क्लिक करने के बाद लास्ट वाला क्लिक करना है, ओके कर देना है. यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड फिल हो जाएगी उसी पैटर्न में. इस तरह आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, लेकिन लेनी आपने सेमलेस पैटर्न वाली है क्योंकि इसमें स्टार्ट और एंड डिफाइन होते हैं. तो आप इसे इस बात का ध्यान रखें, कोई भी इमेज उठा के मत उसे सीमलेस में कन्वर्ट कर लेना क्योंकि उसका भी एक मेथड होता है. तो आप यहाँ से फ्री पिक साइट से उठा के इमेज को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं सीमलेस में. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं सेट कर रही हूँ. आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, कोई भी पैटर्न, कोई भी मोटिफ आप यहाँ से उठा के उसे अपने आर्टवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एक और एग्जांपल है लाइक दिस. यहाँ ये बहुत यूज होता है एज ए वॉलपेपर. कॉपी कीजिए, डिफाइन कीजिए इसको पैटर्न में. अब यहाँ पे पैटर्न में जाके इसको क्लिक कर दीजिए और इस तरह आप एंडलेस बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल. ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.